Hi guys, welcome back to my channel. मैं हूँ स्वीटी और आप देख रहे हो स्पार्कलिंग सोल्स। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस दुनिया के सबसे ज्यादा पावरफुल लव के बारे में, जो है सेल्फ लव। सेल्फ लव ना इतनी खूबसूरत चीज है जिसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। सेल्फ लव आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर सकती है, आपकी पर्सनैलिटी को चेंज कर सकती है, आपकी रिलेशनशिप को चेंज कर सकती है और आपसे आपके रिश्ते को खुद को चेंज कर सकती है। सेल्फ लव का मतलब ना अपने आप से प्यार करना, अपनी सोल से प्यार करना। सेल्फ लव का मतलब अपने अंदर जो भगवान ने ट्रू पावर दिया है ना, उसको पूरी तरह ओपन कर लेना और उसकी खूबसूरती, उसके स्पार्कल को अपनी लाइफ में बिखेरने देना। सेल्फ लव ना ये वर्ड नहीं है, ये पावर है, पावर। और जब आप इस पावर को समझ जाओगे ना, तो आप समझ जाओगे कि सेल्फ लव बहुत ज़्यादा अमेजिंग चीज़ है। मैं आपको सेल्फ लव के बारे में ना बहुत सिंपल से समझाती हूँ। मान लीजिए आपके पड़ोसी के घर पे ना बहुत सुंदर से गुलाब के फूल लगे हैं, बहुत प्यारे प्यारे से पौधे हैं उसके घर पे, इतने अच्छे गुलाब है ना कि आप हमेशा जाते हो और उसके घर के बाहर खड़े होकर उन गुलाब को देखते रहते हो और आपको वो बहुत पसंद आ रहे हैं। पर आप ये चीज़ भूल चुके हो कि आपने अपने घर में भी गुलाब लगाए और आपके घर पे भी गुलाब है। आप अपने घर के गुलाब को देखने ही नहीं चाह रहे, उनकी तरफ निहार ही नहीं रहे, उन्हें अप्रिशिएट ही नहीं कर रहे, बस आप सामने वाले पर्सन के, मतलब उस पड़ोसी के घर पे जाके उसके गुलाब को देखे जा रहे हो। पर आपने अपने घर के अंदर जो गुलाब लगा के रखा है उसे आप भूल चुके हो। आपके अंदर आपकी सोल के साथ कैसा रिलेशन ना, भूल चुके हो। जिस समय आप अपने लव को पहचान लेते हो ना, दुनिया भी आपके लव को पहचान लेती है। सेल्फ लव की प्रैक्टिस, सिंपल प्रैक्टिस से स्टार्ट कर रही हूँ गाइड। स्टेप बाय स्टेप मैं हर वीक आपको अलग अलग तरीका के प्रैक्टिसेस बताते रहूँगी। अभी तो मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग एज अ बिगनर लेवल की बता रही हूँ। सबसे सिंपल सी चीज़, आपको बैठना है चौकड़ी मार के, मतलब जो पालती मार के हम बैठते हैं। ज़मीन पे बैठ जाओ, अच्छी बात है, बेड पे बैठ जाओ, कहीं भी बैठ जाओ, पर ऐसे बैठना कि आप बिल्कुल सीधे हो, आपकी स्पाइन पूरी सीधी हो, आपकी ये रीढ़ की हड्डी पूरी तरह सीधी हो। उसके बाद आपको अपने अंदर की एनर्जी को बैलेंस करना। दो एनर्जी होती है, एक मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, दोनों में वही एनर्जी होती है। हमारा काम है उसे बैलेंस करना, सारे चक्र को बैलेंस करना, अपने दिमाग को, अपनी एनर्जी को पूरी तरह बैलेंस में लाना। और उस समय अपनी सेल्फ लव की प्रैक्टिस में एक हम बहुत अंदर अपनी लव एनर्जी को ढूंढने की कोशिश करते हैं। आपको अपने अंदर जो सूखा पड़ा हुआ फ्लावर है ना, उस फ्लावर को ढूंढना है, उसकी एक एक पंखुड़ी को खोलना है और उसकी एनर्जी को पूरी बॉडी में भरना और उसे रेडिएट करना, बाहर फील करना है अपने अंदर उस लव की एनर्जी को। अब आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे ही आप बैठे, आपको सबसे पहले उस फ्लावर को, अपने अंदर वो फ्लावर को ढूंढने के लिए, अपने आप से, खुद की सेल्फ से, अपनी सोल से कनेक्ट होने के लिए ना, सबसे पहले आपको एक्सरसाइज करनी है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज। आपके हाथ रहेंगे इस तरह से, देख लीजिए, ओपन वाली, ओपन मुद्रा में, इस तरह से दोनों, ये और ये उंगलियां मिली होंगी और इधर ये भी मिला होगा, ये वाली उंगली भी, और ये पूरी तरह बंद होना चाहिए, ये चीज़ बंद होनी चाहिए, एक दूसरे से मिलनी चाहिए, ठीक है। और ये आपको रखना है अपने हार्ट चक्र के पास यहाँ पे, और उसके बाद जितना धीरे हो सके उतनी धीरे धीरे आपको सांसें लेना है, मतलब आपको काउंट करना है। जैसे आपने जैसी सांस ली, काउंट करो 5, इतनी स्लोली आपको करना है ना, इतनी स्लोली। और जैसे ही आपने अपनी बॉडी से वो सांस बाहर निकाली, मतलब इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के टाइम, आप जितना धीरे धीरे हो सके उतना धीरे लीजिए, आराम से, क्योंकि आपको अपनी बॉडी को शांत करना है, अपनी सांसों को शांत करना है, अपनी बॉडी के एक एक पार्ट को शांत करना है, पूरी तरह अपनी सेल्फ को रिलैक्स करना है, क्योंकि ये टाइम ना आपका, आपकी सेल्फ के साथ है। अब कोई हड़बड़ी नहीं हो, कोई काम है, आप आए हो अपने पास अपनी सोल में देखने के लिए, अपनी सोल के अंदर वो प्यार को ढूंढने के लिए, उसे खोजने के लिए, पूरी तरह रिलैक्स होना आपको। और ऐसे कर करके आपको समझ में आ जाएगा आपकी बॉडी कब रिलैक्स हो चुकी है। शायद 2 मिनट में हो जाए, 5 मिनट में हो जाए, 7 मिनट्स में हो जाए, सबकी सिचुएशन अलग होती है। और जैसे ही आप शांत हो गए पूरी तरह, आपको ये वाले हाथ को इस तरह से हटा के पूरे अपने यहाँ हार्ट सेंटर में रख लेना, आँखें आपकी बंद होंगी। और जब आप सांसें भी ले रहे होंगे धीरे धीरे ब्रीदिंग प्रैक्टिस, उस समय भी आपकी आँखें बंद होंगी। आपको अपने हाथ को यहाँ पे रखना और अपने आप से बोलना है, यहाँ अपने हाथ सेंटर को, क्योंकि उस समय जो आपके अंदर, आपकी बॉडी के अंदर वो जो रोज है ना, वो फ्लावर है, वो पूरी तरह खुल चुका होगा। अब जब वो खुला है, वो लव की एनर्जी ओपन हुई है, तो उसे पूरी तरह रेडिएट करने के लिए अपनी बॉडी में आपको क्या कहना पड़ेगा, आपको कहना पड़ेगा, आई लव यू, आई लव यू,
आई लव यू सो मच। फील करके बोलना है आपको, पूरा महसूस करके बोलना है, शिद्दत से बोलना है। आप पहली बार अपनी सेल्फ से, अपनी सोल से रूबरू हुए हो। ये बॉडी, ये सेल्फ, ये सोल ना गॉड ने आपको दी है, उस ऊपर वाले ने दी है। अपने आप को पूरी तरह एक्सेप्ट करना है। यहाँ पे कोई पर्सन नहीं है, कोई दूसरे पर्सन के बारे में नहीं सोचना है, किसी काम के बारे में नहीं सोचना है। आज कोई नहीं है, बस आप और आपकी सेल्फ हो। और पूरी तरह आप अपनी बॉडी को, अपनी बॉडी के एक एक पार्ट को, अपनी सारी एनर्जी को, अपनी सारी सेंसेस को, अपनी बॉडी के रोम रोम एक एक पार्ट को ना वो लव दे रहे हो और उसे अपना पूरा बना ले रहे हो, उसे एक्सेप्ट कर रहे हो। लव एनर्जी को मौका दे रहे हो कि बैलेंस हो जा यार, बिखर जा मेरी लाइफ में, मेरी लाइफ में अमेजिंगली अपना जादू चला। मैं इजाज़त दे रहा हूँ आपको, इजाज़त दे रही हूँ कि ये एनर्जी को घुल जाने दे। मुझे डूबना है इस लव में, अपने आप से प्यार करना है। आप करके देखो ये हफ्ते, और नेक्स्ट हफ्ते मैं आपको नेक्स्ट वाले वीक एक और उसके बाद प्रैक्टिस बताऊंगी। ये वीकली आपको अलग अलग प्रैक्टिस बताऊंगी, ये सेल्फ लव की प्रैक्टिस। और जिस तरह से आपने फील किया ना, फील करने के बाद आपको इस तरह से, जैसे आप आई लव यू बोलोगे तो आपकी जो सिर है वो आसमान की तरफ होना चाहिए इस तरह से, और वैसे ही आप चौकड़ी मार के बैठे और आप फील करो। आप जब फील करोगे ना तो आपको कितना अमेजिंग लगेगा आप सोच भी नहीं सकते। आपको कितना एक कनेक्शन सा लगेगा अपने साथ, अपनी सेल्फ के साथ। और जब आप पूरे टाइम ये पावरफुल एनर्जी को फील करोगे ना कि वाओ मेरे अंदर भी इतना लव था जो मैं फील ही नहीं कर पा रहा था। ये जो एक टेंशन लगती है ना कि बाहर वाले पर्सन को समझाओ, इस पर्सन को समझाओ, ये मुझे लव देगा तब मुझे अच्छा फील होगा, कोई पर्सन मेरे से अच्छे से बात करेगा तब मुझे अच्छा फील होगा, यहाँ से अटेंशन चाहिए, यहाँ क्या, इसकी तो परवाह ही नहीं है, इसके बारे में तो सोचना ही नहीं है, यहाँ क्या पावर छुपी हुई है, यहाँ क्या खजाना है ना, इस खजाने को देख रहे हो, इस खजाने को पहचान रहे हो। यही है सेल्फ लव की प्रैक्टिस। और जब आप ये सब प्रैक्टिस करते हो ना, आप पूरी तरह लव एनर्जी में डूबे होते हो, और लव एनर्जी इस दुनिया की सबसे ज़्यादा पावरफुल एनर्जी। सो गाइज, अब इस चीज़ की प्रैक्टिस करिए और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा फील हुआ। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। बाय बाय।